Thank you, thank you, thank you. Oh. मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए देवियों संजो, हमारे त्योहार ही हमारी संस्कृति की विशेषता है और आज वसु बारस है। आप सभी को वसु बारस पे अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत से लोग शायद वसु बारस के बारे में ना जानते हो। वसु बारस दिवाली के आह्वान का त्यौहार है और इसका समापन होता है गोवर्धन पूजा के साथ। भारतीय परंपरा में गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता दी गई, इसीलिए वसु बारस जैसा त्यौहार गाय के सम्मान में वृद्धि करता है, उन्हें पूजनीय बनाता है और उनके संरक्षण की भी उनको प्रोत्साहित करता है। उनके लिए अन्नदानम परम दानम, अन्नदानम परम दानम। हमारे शास्त्रों में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। इस देश के किसी भी कोने में एक भी इंसान भूखा न सोए, वो अन्न को न तरसे, ये एक आदर्श समाज की कल्पना है। लेकिन जब दीपावली जैसा त्यौहार आता है तो ये कल्पना एक कर्तव्य बन जाता है। देश की दिवाली उत्सव का चौथा दिन हम समर्पित करते हैं अन्न को। ये देखिए अन्नपूर्णा दिवाली। हर इंसान की सबसे पहली जरूरत और उसका पहला जतन जो होता है वो है रोटी। रोटी दो वक्त करने वाला जुटाने में असमर्थ ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए बिहार के छपरा जिला का रोटी बैंक 5 सालों से प्रतिदिन कई लोगों को भरपेट निशुल्क भोजन की सुविधा देते आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर, रोटी बैंक के ऊपर, वो हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। इंसान की तीन जो है आम जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा और मकान का तो हम नहीं जानते, लेकिन रोटियां जो है उनके भोजन की जो व्यवस्था है वो हमारे टीम के द्वारा किया जाता है। मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय है, मैं 35 वर्ष का हूँ और पेशे से एक शिक्षक हूँ। हम 5 मित्रों ने मिल करके रोटी बैंक छपरा का कार्य शुरू किया था। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था कि कोई भूखा न सोए। लाचार बेबस के चेहरे पे अगर हंसी आ जाए आपके कारण, तो वो ईश्वर भी बैठा बैठा देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसके कारक आप ही हैं। हमारे जो भी 20 सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में पूर्णतः व्यस्त हैं। तो इस विषम परिस्थितियों में अपने घरों को ना जाकर रोटी बैंक में आते हैं, आकर के सब्जियां काटते हैं, आकर के कोई आटा गूंथता है, अपने व्यवसाय से समय निकाल के तब हम लोग यहाँ पे आते हैं। और वो जो बचा हुआ शाम का समय होता है उसे हम लोग डिब्यूट कर चुके हैं इनके लिए, इन जरूरतमंदों के लिए, प्रभुजनों के लिए। देखने में बड़ी आसान है किसी को जा करके खाना दे देना, लेकिन प्रत्येक दिन देना, भूख तो रोज लगनी है। टाइम पकड़ के आता हूँ कि हमको खाना वहाँ मिलेगा। बहुत दिन से खाते नहीं सर, आज से ना, बहुत दिन से। और रोज खाना मिलेगा, कभी कभी पूरी सब्जी मिलेगा, कभी पूरी बुनिया मिलेगा, कभी भात मिलेगा। उन लोगों को हम लोग भोजन खिलाते थे और खिलाते हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा, समाज का सहयोग रहा, तो हमें लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये दिन ब दिन चलती है, चाहे हम लोग रहें या ना रहें। सज्जनों, ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रविशंकर उपाध्याय जी आज हमारे मंच पर मौजूद हैं। स्वागत किया जाए इनका तालियों के साथ। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। आज अन्नपूर्णा दिवाली के अंतर्गत हमने ये संकल्प लिया है कि हर हॉट सीट खिलाड़ी के हर सही जवाब पर 100 लीटर घी और हमारी ओर से
100 किलो आटा और 100 किलो चावल हम रोटी बैंक के सुपुर्द करें। इस पहल के पीछे हमारी सही कामना है और यही कामना है कि हर पेट में अन्न हो और चेहरा प्रसन्न हो। तो अपने ज्ञान और विज्ञान से या योग्यता के कारण साथ अब हमारी रोल ओवर खिलाड़ी भी यहाँ पर बैठी हुई है, प्रीति भाटी जी इनका नाम है। बहुत बड़ा दायित्व आ गया है आपके ऊपर कि आप ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न के साथ साथ 100 लीटर 100 किलो आटा चावल ये सब दान में जाएगा रोटी बैंक के। एक बार फिर जी, तो कल तक इन्होंने 3,000 रुपए जीत लिए थे और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। ये भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं, हेड कांस्टेबल हैं सेंट्रल रिजर्व फोर्स। देखा नहीं आपने इनका लंबा चौड़ा एकदम शरीर? और आपको बता दें कि यही नहीं है, इनके पतिदेव भी आए हुए हैं, वो भी CRPF में है और इनके पिताश्री रिटायर्ड CRPF से हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं भाई साहब? जी सर। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी, आपकी शुभकामनाएं सर से आज गेम में स्टार्ट करने से पहले। मैं कल बोला था, छोड़ दीजिए ना, काहे को इतना बात है। चौथा प्रश्न आने वाला, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जैसा कि हमने कल कहा था कि हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आप ही के साथ हैं और कहीं जा ही नहीं सकती शुभकामनाएं, कितनी बार कह रहे हैं, हमारी जितनी भी शुभकामनाएं हैं सब आप ही के लिए। चौथा प्रश्न आने वाला है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं जो है वो पहले आएंगी आपके पास। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी शुभकामनाओं के साथ, ये रहा। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मुख्य रूप से किसको समर्पित एक संग्रहालय है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन भोपाल इज अ म्यूजियम डेडिकेटेड मेनली टू विच ऑफ दीज? ए कार्स, बी स्पेस, सी कल्चर, या डी AI गाड़ियां, अंतरिक्ष, संस्कृति, या AI? गाड़ियां तो नहीं है सर, अंतरिक्ष भी नहीं, संस्कृति सर, सी संस्कृति को लॉक कर दीजिए। जी, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। देखा हुआ सर मैंने। आपने देखा है? जी सर। इतना समय काहे को लगाया आपने फिर उत्तर देने में? आप सामने बैठे, चार भैंस सामने बैठने, तो हम शुभकामनाएं देने के लिए बैठे हैं। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए, रेडी? ये एक चित्र वाला प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे उसी के आधार पर प्रश्न आएगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। Can we see the picture, please? देख लिया? जी सर। ओके, अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कीर्ति सुरेश, बी समांथा रूथ प्रभु, सी तमन्ना भाटिया, या डी नयनतारा। ए कीर्ति सुरेश को लॉक कर दीजिए सर। कीर्ति सुरेश, ताला लगा दें? जी सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। प्रीति जी, अब आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। देव संजो, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय है आज के सवाल का, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां आएगा उनका, देखिए महाराष्ट्र से गाड़ी चल पड़ी है और जा रही है वेस्ट बंगाल। हाय, मैं शारन बेल हूँ और मैं कोलकाता शहर की हूँ। आज मेरा सवाल है आपसे, कोलकाता का कौन सा नाश्ता मुरमुरे से बनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी मोमो, ऑप्शन सी झालमुरी, ऑप्शन डी काठी कबाब। और आपका समय शुरू होता है अब। अब बताना है मुझे कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 5, 5 नंबर। अरे वाह, अरे देवी जी,
तालियां बजती रहे इनके लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा अपना शुभ नाम बताइए। निकिता मेघल कोठारी। निकिता जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, सही उत्तर तो बताइए। सी। सी। अक्षर। ऑप्शन सी। ऑलराइट प्रीति जी, 5 प्रश्न हो गए, आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रण उत्सव प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? In which state is Ran Utsav celebrated each year? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने, ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, रण उत्सव। बी गुजरात लग रहा है सर मुझे। बी गुजरात पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सही जवाब है आपका। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने सही प्रश्नों का उत्तर देंगे उतना रोटी बैंक जो है वो उसको फायदा उठाएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, इनमें से कौन से व्यक्ति इस पुस्तक के सह लेखक हैं? ओके, विच ऑफ दीज पर्सनैलिटी जो विकल्प में आएंगे इज द को ऑथर ऑफ दिस बुक, जो कि अभी तस्वीर में आप देखेंगे। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? शीर्षक पढ़ लिया आपने, साइंटिफिक इंडियन, देखिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर, ए ज्ञानी जैल सिंह, बी श्री के आर नारायण, सी श्री प्रणब मुखर्जी, डी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। को ऑथर ऑफ दिस बुक, द साइंटिफिक इंडियन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम लग रहा है सर मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे और इस पुस्तक लेखक स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोस्फीयर, फूड प्रोडक्शन और आधुनिक समस्याओं के बारे में वो बात करते हैं। साइंटिफिक इंडियन जी। ऑलराइट देवी सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हमारा आभार हम अपना प्रकट करते हैं उनको। प्रीति जी आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर इंटरफेस जिसे एपीआई कहा जाता है में ए का अर्थ क्या है? इन द सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस कॉल्ड एपीआई, विच ऑफ दीज डज ए रिफर टू? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए अलाउड, बी एप्लीकेशन, सी एजेंसी या डी ऑटोनोमस। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए बादुमति जी, 45 सेकंड बचे हैं। और कौन सी लाइफलाइन जी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 63%। क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए सर, बी को। ऑडियंस के साथ जाएंगे? जी सर। कह रहे बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। एपीआई का अर्थ होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका उपयोग जो है वो सॉफ्टवेयर से
संबंधित हर चीज में होता है एपीआई। ओके, अब चलते हैं नौवे प्रश्न की ओर। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया प्रीति जी, तो इसका अर्थ समझती है ना। हाँ, 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम आटा और 500 किलोग्राम चावल रोटी बैंक के लिए। आएगा नवा प्रश्न आपके सामने, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए, 1 लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी शुभकामनाओं के साथ। ये रहा। क्लॉडिया गोल्डन इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी? क्लॉडिया गोल्डन became the third woman to ever win the Nobel Prize in which of these fields? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने, ए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी इकोनॉमिक साइंसेस और इज इट डी पीस। भौतिकी, रसायन विज्ञान, आर्थिक विज्ञान या शांति? क्लॉडिया गोल्डन नोबेल प्राइज। सी इकोनॉमिक साइंसेस। सी इकोनॉमिक साइंसेस लगा दिया ताला, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपको। नोबेल प्राइज उनको मिला, क्लॉडिया जी को, जेंडर पे गैप पर अपने काम के लिए। जेंडर पे गैप यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की जो तनख्वाह होती है वो पुरुषों से कम होती है। महिला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शक्ति एक होनी चाहिए। जी सर। आप भी एक देखिए, सीआरपीएफ में है, पतिदेव भी हैं, पिताश्री भी थे, तो ये एक समानता है, ये कोई साधारण काम नहीं होता है, देश की रक्षा करती हैं आप। ओके जी सर। मैं बताना चाहूंगी कि अभी मैं अपनी बटालियन में जो हम लोगों का स्टाफ है उसमें मैं अकेली लड़की हूँ अभी सर वहाँ पे। रियली? जी सर। ओके। बटालियन में सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। और आपके देखा देखी और बहुत सी महिलाएं भी ज्वाइन करेंगे। जी सर। हाँ, हम उम्मीद करते हैं। ओके प्रीति जी, अब आएगा आपके सामने दसवां प्रश्न, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर बहुत ही चांस मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये मौका दोबारा आपके खेल में नहीं मिलेगा आपको। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए प्रीति जी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रूस की बुरुवेस्टनिक मिसाइल जिसका अक्टूबर 2023 में परीक्षण हुआ है का नेटो नाम, एनएटीओ नेटो नाम किस जेम्स बॉन्ड फिल्म के नाम से मिलता है? नेटोज नेम फॉर रशियाज बुरुवेस्टनिक मिसाइल विच वॉज टेस्टेड इन अक्टूबर 2023 इज द सेम एज विच जेम्स बॉन्ड मूवी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ए गोल्डन आई, बी थंडरबॉल, सी स्पेक्टर, डी स्काईफॉल। चारों नाम जो हैं ये जेम्स बॉन्ड फिल्मों के नाम हैं, शीर्षक हैं। मिसाइल का नाम किस पे रखा गया? डी स्काईफॉल लग रहा है सर मुझे। डी स्काईफॉल को लॉक कर दीजिए सर। डी स्काईफॉल। डी स्काईफॉल कह रही हैं प्रीति जी, इस पे ताला लगाया जाए। थंडरबॉल मिसाइल गरजता हुआ जाता है, स्काईफॉल से तो बहुत कुछ गिरता है हवा से। जेम्स बॉन्ड की मूवी का भी बोला था। अरे ये क्या कर दिया, चारों आपको बताया था नाम सब, आपको हमने कहा था कि देखिए यहाँ चेतावनी, गलत हो जाए तो आप नीचे गिर जाएंगी 10 पे। चलिए माफ किया आपको, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। रूस में ये बुरुवेस्टनिक नामक एक समुद्री पक्षी है, समुद्री पक्षी, पानी में चलती है वो पक्षी। ये मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड और बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली है मिसाइल। स्काईफॉल जो है वो जेम्स बॉन्ड की 2012 की एक फिल्म है। हालांकि ये चारों जो नाम थे सब
जेम्स बॉन्ड की फिल्म है। तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए जीते और ताली बज जाए, चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000, बहुत बहुत बधाई हो आपके प्रीति जी, बहुत सुंदर खेल रहे हैं यार। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और 700 लीटर घी, 700 किलोग्राम आटा और चावल, 700 घी, वो भी आपके रोटी बैंक में जाए। मान्यवर, एक प्रश्न था कि ये तो काफी भोजन हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये कैसे इसको, इसका उपयोग या प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे इसको बांटेंगे, ये ऐसे ही हम जानना चाह रहे थे इससे। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और हमें लगता है कि हमारे सनातन में सबसे जो बड़ा त्योहार दशहरा, दीपावली, हमारे यहाँ सबसे महापर्व की श्रेणी में छठ पूजा आता है, तो इन दिनों में इसका काफ़ी हम जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, लड्डू वितरण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हमें राशन मिला, हमें घी मिला, आपने हमें लगभग हजारों चेहरे की मुस्कान दी है और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है ना कि जब तक हम लोग मिले नहीं, उंगलियाँ सब हैं, सबका अपना अपना योगदान होता है, लेकिन जब तक मुट्ठी ना बंधे ना, तब तक इसके पंच की आवाज़ नहीं जाएगी, तब तक ये नहीं लगता है कि हम जागरूक हो रहे, इसकी ताकत नहीं पता चलेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, जब तक मुट्ठी नहीं बनती जी, पंच का महत्व नहीं मालूम पड़ता है। कितनी अच्छी बात है। ये देखिए, ये ऐलान हो गया है सुपर संदूक का, इसके बारे में जानकारी तो आपको पता ही है, और अब आप ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? हिंदी में सर। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। 90 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा वस्त्र आमतौर पर गले में पहना जाता है? धोती, मफलर, पैंट? मफलर सर, बी मफलर। सही। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ चिन्ह होता है? आनंद, संदीप, अरुण, प्रतीक? डी प्रतीक। राइट। फ्लिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है? चक दे इंडिया, लगान, सूरमा? 83। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन से क्रिकेटर बाने हाथ के बल्लेबाज? सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग? पास सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस संख्या का पॉजिटिव वर्गमूल 10 से कम होता है? 81, 196, 121, 225? पॉजिटिव वर्गमूल 81। करेक्ट। नेक्स्ट, केरल की सीमा कर्नाटक और किस अन्य राज्य से लगती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा? तमिलनाडु सर। करेक्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में इनमें से किसकी संख्या आमतौर पर एक से अधिक होती है? मस्तिष्क, किडनी? किडनी। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संस्थान आमतौर पर पासबुक जारी करता है? बैंक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कच्चे आम के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? कैरी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। सही। नेक्स्ट, फ्लिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है? चक दे इंडिया, लगान, सूरमा? 83। गलत। नहीं, समय समाप्त हो गया प्रीति जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गए आप। दो प्रश्नों जहाँ 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 गलत हुई थी बता दें आपको। आपने फिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है, वो है सूरमा फिल्म, उसमें का गाना है, 83 नहीं है। और जहाँ आपने पास किया था, इनमें से कौन से क्रिकेटर दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं? वीरेंद्र सहवाग। बाकी 3 जो है सब बाएं हाथ से खेलते हैं। अब या तो 80,000 बैंक में जमा करवाइए या अपनी कोई भी लाइफ लाइन जीवित कराएंगे। जी सर। आपकी कोई भी लाइफ लाइन आज दी ऑडियंस, कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस लाइफ लाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए। प्रीति जी, देखिए अब आ गया है 11वां प्रश्न। ये जीरो रिस्क वाला प्रश्न होता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। शुभकामनाएं तो सर। हाँ, शुभकामनाएं सदा रहेंगी आपके साथ। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु देवताओं द्वारा आयोजित एक यज्ञ में अपने शरीर पर घोड़े का सिर लगाकर आए तो उन्हें क्या नाम मिला? अकॉर्डिंग टू द हिंदू पुराण्स, बाय व्हाट नेम
was Lord Vishnu known when he attended a yagna conducted by the devs or devas with a horse's head on his body? Options A, Hayagreev; B, Manigreev; C, Sugreev; or D, Kambugreev. Hayagreev, Manigreev, Sugreev, Kambugreev. Lifeline लेना चाहूँगी सर, आइडिया नहीं। All right. जी सर। तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लिख। All right. ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस सहायक बनिए और समय शुरू होता है अब। आप ओहो, सी को, सुग्रीव को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 40, ए और डी को मिले हैं 25 और 22, और बी को दिया है 13%। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएं। जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। जी क्या सर। करें? सी सुग्रीव। सी सुग्रीव पे ताला लगाया जाए। देवी जी, अभी उत्तर गलत हो गया है। सही उत्तर है हयग्रीव। एक बार भगवान ब्रह्मा ने परीक्षण किया कि सभी देवों में से कौन सबसे महान है, हैं? जब यह स्पष्ट हो गया कि भगवान विष्णु हर मामले में अन्य सभी से श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपना सिर खो देंगे। इसलिए यज्ञ में आने के लिए भगवान विष्णु ने घोड़े के सर का उपयोग किया। ये आपने जीते हैं 3,20,000 रुपए, और जो आपका योगदान रहा है रोटी बैंक के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो 3,20,000 रुपए हैं, ये हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। ताली बजती रहे इनके लिए, देवी सर ने उनका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया। 3,20,000 रुपये, 3,1,1,2,3,4, ओके किया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए अभी आपके बैंक में पहुंच गया 3,20,000 रुपये, जल्दी, आसान और सेफ तरीके। बहुत बहुत बधाई आपको। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बहुत सी आशाएं लेकर के बैठे हुए हमारे सब कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान आ जाए आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित व्यक्ति जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में है, उस संदर्भ में इन्हें दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दे गवर्न फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए श्री अरविंद केजरीवाल, बी श्री भगवंत मान, सी श्री एकनाथ शिंदे, डी श्री एम के स्टालिन। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, एकनाथ शिंदे जी, एम के स्टालिन। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं सही उत्तर या सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी श्री एम के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु, फिर आता है सी श्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र, फिर आता है ए श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली, और अंत में बी श्री भगवंत मान पंजाब से। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो, केवल दो ही ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? वैशाली कृष्ण आशीष। आइए बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई 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 आपको वैशाली जी। तो कौन थे आपके? मम्मी है और भाई है मेरे। भाई है? प्रणाम करता हूँ आपको। और सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वैशाली कृष्ण कश्यप,
ये पुणे महाराष्ट्र से है जी सर। और काफी देर से हम देख रहे थे आपको जी सर। जो अच्छी बात हमें लग रही है वो आपके चेहरे पर है, हमेशा एक मुस्कान रहती है आपके हाँ, चेहरे सर। पर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। इसी तरह आप पूरे जीवन में हंसती रहे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमें अपना। सर मेरा नाम वैशाली कृष्णा काशिद है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैंने सर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है, बट अभी फिलहाल मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यस सर। यूपीएससी? यूपीएससी का। बचपन से आपने ऐसा सोचा था या जब पढ़ाई शिक्षा मिल रही थी तब आपने सोचा कि आपको वहां जाना? मैं इंजीनियरिंग में थी तब मैंने सोचा था, एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में थे जी जी, तो उनको देख के मुझे वो इंस्पिरेशन रही है कि उन्होंने सेल्फलेस इतना सर्विस किया नेशन के लिए तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। वैशाली जी जल्दी से खेल की ओर बढ़ते हैं, आगे ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सारे रूल्स तो आपको पता है। खेल की शुरुआत करते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट वैशाली जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के खेल में जी आप जितने सही उत्तर देंगे 100 गुना उसका जो घी आटा चावल जो है वो रोटी बैग में जाएगा, है कि नहीं? ऑलराइट ओके, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने 1000 रुपए का। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये पहला ही प्रश्न जो है ये एक चित्र से संबंधित है, पहले आपको चित्र दिखाएंगे। प्रश्न पढ़ लीजिए, इनमें से किस चित्र में मोमो है? Which of these images depicts a momo? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए बी सी डी। इमेज ऑप्शन डी ब्लॉक किया जाए, डी पे थर लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको पसंद है ये मोमो? जी सर पसंद है। पसंद है? पसंद है। हमको पसंद नहीं है। हाँ नहीं नहीं, बड़ा पिलपिला सा होता है। है ना कि नहीं? बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या चला गया हम लोग के अंदर। अरे लड्डू जलेबी जाए वो क्या आएगा, मोमो एक तो नाम ही है इसका, ऐसा भयंकर है। बड़ी प्रसन्नता होती होगी आपके मन में रविशंकर जी, तो सबसे पहले तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने कैसे ये सोचा और कैसे इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है और देशवासियों के लिए तो खास तौर से, क्योंकि हमने देखा है कई बार बहुत से लोग सड़क पे भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, आपको उनका ध्यान आया। जब आप ये कार्य पूरा करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती होगी आपको? एक कार्य हम लोग करते हैं तो एक होता है ना कि कोई कार्य करने के उसका जो उलट हमें कुछ मिलता है जी, जैसे कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं भी होती हैं। तो ये जो रोटी बैंक का कार्य है जिसमें हम लोग बच्चों को बूढ़ों को जब भोजन देते हैं ना, तो जैसे भोजन देंगे उनके चेहरे पे एक छोटी सी हंसी दिखती है हमें जी। और उसे देखते ही हमें लगता है कि ओ आज पूरा दिन का जो हमारा कार्य है वो संपन्न हुआ और हम लोग आत्मसंतुष्टि के साथ वहां से खुद मुस्कुराते हुए। रविशंकर जी एक ऐसे ही व्यक्तिगत है, ये सब भोजन वगैरह के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। तो कैसे आता है ये सब फंडिंग वगैरह? शुरुआत के समय में तो हम लोगों ने जो भी हम दो चार मित्र थे हम लोगों ने अपने घरों से इसको शुरू किया था स्वयं से बना करके। धीरे धीरे हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और होता है ना कि कोई चीज अगर अच्छा हम शुरू करें तो पीछे कारवां बनता जाता है। और 7 से 10, 10 से 20, 20 से 25 लोगों का विश्वास भी बनता गया। जो भोजन लेने वाले हमारे अनुग्रही लोग हैं उन लोगों को भी लगा कि नहीं खाना अच्छा है और हम लोग हाइजीन का और जैसा होता है ना कि हम खुद अपने घरों में खाते हैं जी जी, तो हम लोग उसको अपने से टेस्ट करके ही निकालते हैं। बहुत अच्छी बात। और है जी। आज के डेट में इतना बड़ा टीम हो गया है कि लगभग 200 प्लस लोगों को पर डे हम लोग भोजन खिला पाते हैं। 200 से ज्यादा लोग, वाह क्या बात। और रही सवाल फंड की सर, तो कहीं ना कहीं ये समाज का चीज है, परिवार के लिए तो हम सब जीते हैं, सभी लोग भाग रहे हैं अपने के लिए अपने परिवार के लिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पीछे एक तबका छूट रहा है। और रोटी बैंक तो काम कर रही है ठीक है, हमें सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है और अपना निवाला उठाने से पहले अपने आजू बाजू अपने आस पड़ोस में देखने की जरूरत है कि कहीं कोई भूखा पेट तो नहीं। क्या बात है, वाह। अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं कुछ कर जाए समाज के लिए,
कुछ कर जाए अपनों के लिए। अपने तो परिवार सब है, लेकिन उन लोगों को लेकर हम चल रहे हैं, तो एक सभी की जो है इसमें सहभागिता है। ये हम लोगों की सहभागिता नहीं है, पूरा समाज इसमें हमारे साथ है। और आज हम बहुत ही इतना सुंदर उदाहरण है ये आजकल हमारे देश में एक इस तरह के कार्य करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें और भी बढ़ोतरी हो। और आज के कार्यक्रम में तो जैसा कि हमने कहा है कि घी और आटा और चावल जो है वो 100 गुना ज़्यादा मिलता जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर कंटेस्टेंट जो हैं वो सही उत्तर देते जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। राज वैशाली जी, आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न। 2000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंस्टाग्राम पर इनमें से क्या एक प्रकार का छोटा वीडियो होता है? Which of these is a short video format found on Instagram? ऑप्शन सुनिए, ए लाइक, बी रील्स, सी वाइन या डी ट्वीट। सर बी रील्स को लॉक किया जाए। बी रील्स को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न वैशाली जी। यार तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपके साथ। भारत सरकार की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का मुख्य लाभार्थी कौन सा आयु वर्ग है? Which age group is the main beneficiary of the Indian government's वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना? ए चिल्ड्रन, बी विमेन, सी दिव्यांगजन, डी सीनियर सिटीजन। बच्चे, महिलाएं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग नागरिक। सर डी सीनियर सिटीजन को लॉक किया जाए। डी सीनियर सिटीजन पे कह रहे हैं ताला लगा जाए, ये भी सही जवाब है। तीन प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, मतलब 1000 लीटर घी, 1000 किलोग्राम आटा और 1000 किलोग्राम चावल वो पहुंच गया है रोटी। बहुत बहुत और अब देखते हैं और इसमें कितना जुड़ेगा। वो करने के लिए आपको चौथे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो है 5000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये भी एक चित्र दिखा करके आपको उसका उत्तर देना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? What is such an electronic device called? ये तस्वीर में आए। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि कोई कीड़ा है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने वैशाली जी। जी सर। तैयार हो जाइए। ए इंटीग्रेटेड सर्किट, बी वैक्यूम ट्यूब, सी डेस्कटॉप या डी कीबोर्ड। सर ए इंटीग्रेटेड सर्किट को लॉक किया जाए। ए पे ताल लगा दें, इंटीग्रेटेड सर्किट। जी सर। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। अरे सही जवाब निकला, बात है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, छोटे चिप होते हैं जिन पर ट्रांजिस्टर जैसे कई उपकरण जो हैं आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर जी भी ऐसे ही सर्किट्स पर चलते हैं, ये हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं। अच्छा वो जो सफेद सफेद था वो है वो? हाँ सर। उसकी टांग। हाँ हम सोचे कोई कीड़ा है उसकी टांग है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न वैशाली जी। 10000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप रिंग के 8 भुजाओं वाला आकार क्या कहलाता है? What is the name of the 8-sided shape of the ultimate fighting championship ring? ठीक है सर। रखे विकल्प आपके सामने। जी सर, जी। और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए पेंटागन, बी हेक्सागन, सी ऑक्टागन या डी हेप्टागन। सर सी ऑक्टागन। ऑक्टागन को कह रहे हैं इसी पे ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑक्टो का मतलब होता है 8। और इसी से रिंग का नाम आ गया है। और वो 8 भुजाओं वाला जो था, वो उत्तर जो था वो प्रश्न में था। यस सर। ढूंढ लिया आपने उसको? वो मुझे बाकी का नहीं पता था, 8 से मैंने पकड़ लिया उसको। और 8 से पकड़ा। हाँ। बहुत चतुर हैं आप। और आए देवी जी, आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने। 20000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने।
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF किस राज्य की राजनीति के प्रमुख गठबंधन है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF आर लीडिंग अलायंसेस इन विच स्टेट्स पॉलिटिक्स। ओके, ठीक है सर। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम या डी उड़ीसा। केरला। बी केरला? हाँ सर। सोच लिया? जी सर। क्या करें? ब्लॉक कर दीजिए सर। बी केरल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। काफी समय लगाया आपने उत्तर देने। हाँ सर। क्या कर रही थी इतनी देर? एलिमिनेशन कर रही थी देख के। एलिमिनेशन? एलिमिनेशन, श्योर होने के लिए कि सही है कि नहीं। तो केरल पे कैसे पहुंच गई आप? तो बाकी सोचा कहाँ कहाँ कौन सी गवर्नमेंट है। वो आपको मालूम था? हाँ, थोड़ा बहुत था, मुझे पता था। थोड़ा या बहुत? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। LDF जो है वो केरल में सत्ता में है। वाह क्या बात है। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पे, ठीक है? 40,000 रुपयों के लिए सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरिद्वार के निकट स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच पर्सन इज द राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड नियर हरिद्वार नेम। हरिद्वार के निकट? जी सर। ऑप्शन देखिए, ए महाराजा भोज, बी श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी श्री सी राजगोपालाचार्य। क्या लग रहा है? सी, सॉरी डी ऑप्शन लग रहा है, श्री सी राजगोपालाचार्य के नाम पे लग रहा है। सर डी को लॉक कर दीजिए। डी को कर दे, सी राजगोपालाचार्य। कह रही है डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब हो गया है आपका। राजगोपालाचारी जी को राजा जी कहा जाता था। राजा जी कहते थे, हाँ। के नाम से बुलाया जाता था और वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। गांधी जी उन्हें कीपर ऑफ माय कॉन्शियंस, कीपर ऑफ माय कॉन्शियंस कहते थे। इसे 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जिसका नाम रखा गया है। हम देख रहे हैं आपके चेहरे को और एक जगह पर जब आपको लगता है कि यही होना चाहिए ना, तो आपके आपकी जो बाई भाव है ना वो ऐसे उड़ जाती है। अच्छा, तब आप उत्तर देती हो सही आता है। कितने हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, देखिए आएगा। हाँ, आठवां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपये। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहमदनगर सल्तनत के पेशवा के रूप में सेवा करने वाले पूर्व गुलाम मलिक अंबर किस देश से थे? फ्रॉम विच नेशन डिड मलिक अंबर, ए फॉर्मर स्लेव हु सर्व्ड एज द पेशवा ऑफ द अहमदनगर सल्तनत, हेल। ए इथियोपिया, बी सऊदी अरेबिया, सी ईरान या डी सूडान। इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान या सूडान। मलिक अंबर अहमदनगर सल्तनत। सी ईरान लग रहा है सर मुझे। सी
ईरान। तीन लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाधुमती जी, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। इथियोपिया को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 57% और बी को मिला है 37। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ। ऑडियंस साथ जाएंगे। ऑलराइट। यस सर। कहिए क्या करें? ए इथियोपिया को लॉक। ए इथियोपिया को ताला लगाया जाए। देखिए अभी एक किस्सा हुआ था ना जहां ऑडियंस ने गलत उत्तर दे दिया था, हमने कहा था उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एक तो ये, दूसरा देवी जी ऐसा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आपकी भाव जो है वो ऊपर गई नहीं, तो हमको लगा कि कुछ गलत होने वाला है। सर ऐसा मत बोलिए। हाँ, नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। अभी भाव आपकी उठी, आपकी बात ये सही जवाब है। मलिक अंबर का जन्म इथियोपिया राज्य के हरार में हुआ था और भारतीय व्यापारियों को एक गुलाम के रूप में बेचा गया था। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है, जनता जनार्दन होती है। वेल प्लेड। तो वैशाली जी, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। रोटी बैंक में कितना गया? 800। 7 मिले प्रीति जी से, 8 मिले आपसे, तो कितना हो गया? 1500 सर। 1500 केजी राइस, 1500 केजी आटा और 1500 लीटर घी। ओके, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी परिसर किस द्वीप पर स्थित है? ऑन विच आइलैंड is the first overseas campus of IIT Madras located? Option suniye: A. Jamaica, B. Mauritius, C. Tasmania, ya D. Zanzibar. Sir, ye abhi padha tha thoda maine. ये कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे है ये। जमैका तो नहीं, मॉरिशियस भी नहीं है, ज़ंजीबार लग रहा है मुझे। सर डी ज़ंजीबार को लॉक कर दीजिए। सोच लिया? जी सर। ऑलराइट। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी परिसर किस द्वीप पर स्थित है? उन्होंने कहा डी ज़ंजीबार। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन बहुत आसानी से आपने इसका उत्तर दिया। ज़ंजीबार एक द्वीप है जो कि अफ्रीकी देश तंजानिया का हिस्सा है, जिसका भारत के साथ गहरा संबंध है। उनकी प्रेसिडेंट अभी आई थी, इंडिया आई थी। हाँ, ये भी जानते हैं आप। ये भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर है, अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ है अभी। ऑलराइट, 9 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है 10वां, खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा विशाली जी। कितनी बार आपको हमने सुनाया होगा, जब आप वहां बैठी थी सुना भी होगा आपने, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बाकी है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में भारत के लिए टेबल टेनिस में कांस के रूप में पहला महिला युगल पदक जीतने वाली जोड़ी का अंतिम नाम क्या है? What is the last name of the pair who won a bronze, the first medal for India in women's doubles in table tennis at the Asian Games? ऑप्शन सुनिए। ए मोहंती, बी मुखर्जी, सी मेहरा, डी मीरचंदानी। सर
स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि रखती हैं नहीं या देखती हैं कि नहीं? यदि कष्ट हो रहा हो तो आपके पास दो लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। कौन सी? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और वैशाली जी, आपने तीन नाम दिए थे, ये हैं वो तीन नाम, शुभम फंडे जी हैं और बुशरा महादिक और अमोल पाटिल। जी सर, शुभम फंडे को कॉल करना। शुभम फंडे जी को वीडियो कॉल लगाने हैं। ओके, ठहर जाइए, शुभम फंडे जी को वीडियो कॉल लगा जाए। मित्र हैं, परिवार जी, सर, से हैं, मित्र हैं मेरे। शुभम जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। भाई साहब, हमारे सामने वैशाली जी विराजमान है हॉट सीट पर। हेलो। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो इनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगे आपको, उसके चार विकल्प हैं, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? ऑलराइट। यस सर। अगली आवाज वैशाली जी की, आपका समय शुरू होता है अब। What is the last name of the pair? Last name of the pair who won a bronze, the first medal for India in women's doubles in table tennis at the Asian Games. Table tennis mein. Doubles table tennis bronze. हाँ. A Mohanty, B Mukherjee, C Mehra, D Mir Chandani. Mukherjee. Yes. Sure हो तुम? कर दो भी अभी, क्या है? लास्ट नेम है पेयर का, लास्ट नेम है, ठीक है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फर्स्ट मेडल है एशियन गेम्स, मुखर्जी, लॉक कर दूं? जी, ठीक है, कर दीजिए, गलत हुआ तो मारना। सर बी मुखर्जी को लॉक कर दीजिए। कितना यकीन है आपको इनको? देख लेंगे। बोलने के बावजूद भी आप चले जा रहे हो। अच्छा बोलिए, ठीक से वही है कि नहीं? नहीं, इतने घबरा गए वो बेचारे, क्या करें? लॉक कर दीजिए बी मुखर्जी को। बी पे ताला लगाया जाए। हसमुख चेहरा इनका, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने 2022 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। जी सर। ओके, तो 3,20,000 रुपए हो गए हैं, चेक आ रहा है जैसा कि आप जानती हैं। वैशाली जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। जी सर। और टोटल जो रोटी बैंक के अंदर जाने वाला है वो है 1,700 लीटर घी और 1,700 किलोग्राम आटा और चावल, 7 प्रीति जी की ओर से और 10 वैशाली जी की ओर से। तो ये है सुपर संदूक और इसके बारे में जानकारी तो आपको पता ही है। और अब आप ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? इंग्लिश में। अंग्रेजी में? इंग्लिश में। अगर ओके, तो सुपर संदूक देवी और सज्जनों प्रारंभ किया जाए। रेडी वैशाली जी? जी सर। 90 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स? जूलॉजी। बॉटनी। करेक्ट। नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी इज मरीन ड्राइव इन मुंबई लोकेटेड नेक्स्ट टू? सी, अरेबियन सी। करेक्ट। नेक्स्ट, अ नेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्ले विच ऑफ दीज? टेनिस, वॉलीबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन। डी, स्क्वाश। करेक्ट। नेक्स्ट, Which of these is a nautical unit of measurement? Ampere, fathom, newton, joule. Your pass. Pass. Next. Which of these films is a biopic of a soldier? Manto, Aligarh. Sher Shah. Correct. Next. Which state hosts the Surajkund International Crafts Mela? Gujarat, Haryana. Pass. Pass. Next. Which of these has a crest which displays an eagle? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard. Indian Air Force. Correct. Next. What is another name for the shoulder blade? Scapula, patella, fibula, tibia. Sir, pass. Pass. Next. What is the name of the table that organizes all known elements? Log table, astronomy table, periodic table. Sahi. Next. YSRCP is the current ruling party in which state?
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश सही बिल्कुल सही Which of these is a nautical unit of measurement? Ampere, fathom, newton, joule. Measurement. Ampere. Galat. Next. Which state hosts the Surajkund International Crafts Mela? Gujarat, Haryana, Assam, Bihar. B, Haryana. Sahi. Next. What is another name for the shoulder blade? Scapula, patella, fibula, tibia. A, scapula. Correct. Well played. वैशाली जी आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर 90,000 रुपए जीत गए हैं आप अगर जो गलत हो गया था वो बता दें Which of these is a nautical unit of measurement? It's fathom. Okay. 10 हो जाता तो आपके साथ लंच हो जाता हाँ कोई बात नहीं फिर से प्रयत्न कीजिएगा हो सकता है कि अगली बार आप पूरे के पूरे 10 जो है प्रश्नों का सही उत्तर दें तो 90,000 रुपए आप बैंक में जमा कीजिएगा नहीं सर मैं लाइफलाइन ओके दो आपकी गई हुई हैं आज द ऑडियंस इन वीडियो कॉल अ फ्रेंड ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल फिर से जीवित करेंगे ऑल राइट ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न जो कि जीरो रिस्क प्रश्न होता है खेलिएगा जरूर इसे क्योंकि ये लीस्ट रिस्क है 6,40,000 रुपए 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क का जन्म किस देश में हुआ था जी सर इन विच कंट्री वॉज इलॉन मस्क वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट पीपल बॉर्न ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने ए यूके यूनाइटेड किंगडम बी साउथ अफ्रीका सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा यूके दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा इलॉन मस्क समय समय आपके पास जी सर इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है सर मुझे ओके okay, आपके पास दो लाइफ लाइन है अगर आप चाहें तो उनका उपयोग हो सकता है सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ राइट कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की जो लाइफ लाइन है इसको अंकित कर दीजिए और ऑडियंस वोटिंग मीटर एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़िए और आपका समय शुरू होता है अब दक्षिण अफ्रीका को 38 मिला ए को मिला है 30, डी को मिला है 20, सी को मिला है 12। क्या करना चाहेंगे आप वैशाली जी ए और बी में थोड़ा सा लग रहा है हाँ दोनों सबसे ज्यादा है बी सबसे ज्यादा है 38। सर मैं डबल डिप लूंगी डबल डिप एक हाँ और लाइफ हाँ सर वैशाली जी डबल डिप लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दिया जाए अब तो जैसा कि आप जानते हैं वैशाली जी आप क्विट नहीं कर सकती हैं खेल को आपको खेलना ही पड़ेगा जी सर दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए जी सर पहला उत्तर बताइए बी साउथ अफ्रीका को लॉक कर दीजिए बी साउथ अफ्रीका पे ताला लगाया जाए यही सही निकला अरे वाह क्या बात है वेल प्लेड ऑडियंस डबल डिप लाइफ लाइन के इन्होंने बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है इलॉन मस्क का जन्म और पालन पोषण जो है वो दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में हुआ था वो आगे कनाडा और अमेरिका में पढ़ने चले गए और उनकी कंपनियों में कार्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एआई और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में संबंधित कंपनीज शामिल हैं जी सर 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपये न खेलना चाहे आगे तो आप क्विट कर सकती हैं अब 6:40 आप जीत रहे ठीक है सर 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना निजी संरक्षक किसे नियुक्त किया था Whom did युधिष्ठिर appoint as his personal protector when he ascended to the throne of Hastinapur after the Kurukshetra war? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने ए
भीम बी, अर्जुन सी, नकुल डी, सहदेव। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास? जी सर। गेस वर्क यहां चलता नहीं है। सही उत्तर मालूम हो आप तो ही मैं सलाह दूंगा कि आप आगे खेलें, लेकिन आगे खेलने से मैं आपको कोई रोकने वाला नहीं। जी सर। ए और बी में कंफ्यूजन है सर मुझे। बार बार ऐसा लग रहा है अर्जुन है शायद, समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, मैं क्विट करना चाहती हूँ। 640,000 रुपये आपने जीत लिए हैं और आपके जो बैंक है उसमें ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। रुपया आपका नाम आ गया यहाँ पर, वैशाली, अकाउंट नंबर भी आ गया। 640,000 भर दिया और ये पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 640,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट, हमें बताना होगा जनता को कि इसका सही उत्तर क्या है। सर बी अर्जुन। बी अर्जुन पे थल लगा जाए। सही है? नहीं, गलत है। अच्छा, फिर ठीक है। सहदेव। अच्छा। सहदेव, भीम को युवराज नियुक्त किया गया था। अच्छा। अर्जुन सेनापति थे और नकुल की जिम्मेदारी सेना को संभालना, ये था सहदेव, सही उत्तर था। बहुत बहुत बधाई आपको वैशाली जी। 11 प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, 640,000 रुपये जीते, लेकिन 11 प्रश्नों का उत्तर दे करके आपने रोटी बैंक में 1,800 लीटर घी, 1,800 किलोग्राम आटा और चावल, ये संजो करके उनको सहयोग किया है। एक बात बोलना चाहती हूँ। जी जी सर, हमने ना 2 साल से दिवाली नहीं मनाई थी। एक्चुअली मेरे पापा 2021 में कोविड में एक्सपायर हो गए। ओहो। तो हमने मनाई नहीं थी और उसके बाद मतलब 2 साल बाद दिवाली जो मनाने को मिली वो आपके साथ मिली सर, तो मैं बहुत खुश हूँ उस बात के लिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं वैशाली जी, आपकी दिवाली जो है वो खूबसूरत हो, यही हमारी प्रार्थना। तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू। यहाँ पर आए और उन्होंने जीता 640,000 रुपये, लेकिन जो योगदान उन्होंने किया रोटी बैंक के लिए वो बहुत ही सराहनीय किया। ऑलराइट, पर ये जो हमको देखना पड़ता है ना चेहरा, ये हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें भाई साहब, खेला है, समय समाप्त हो गया है, बड़ा वाला बाजा बज गया है, तो अब खेल को समाप्त करना पड़ेगा। और अन्नपूर्णा दिवाली एक संकल्प है कि दुनिया में कभी भी किसी के जीवन में अन्न की कमी ना हो, कोई भी भूखा ना सोए। और दिव्य सज्जनों, कल इस मंच पे होगी खुशियां वाली, उत्सव वाली, मस्ती वाली दिवाली। आप भी सब लोग आमंत्रित हैं, इंतजार रहेगा मुझे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद।